सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल मेरे भाई। और यार गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यार अपने आलोक के ऊपर डिस्काउंट इवेंट के बारे में। प्लस यार गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने OB25 अपडेट के बाद आप लोगों को कौन कौन से आइटम हमारे इन गेम के अंदर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले हैं। और भी यार काफ़ी सारे ढेर सारे इवेंट्स और अपडेट्स के बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो यार जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो यार गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यार एक छोटी सी सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई। यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लेना नोटिफिकेशन पे सेट। बाकी तो चलिए यार गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी इंट्रो के। सो यार गाइस, जो हमारा पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है यार अपने OB25 अपडेट से रिलेटेड। तो यार गाइस, फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर जो अपना OB25 अपडेट है उसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जो कि मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप लोगों को वैक्टर गन स्किन वो कन्फर्म देखने को मिल जाएगी हमारे इन गेम के अंदर। प्लस यार गाइस, यहाँ पे आप लोगों को छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे क्लैश कोड के अंदर, हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। प्लस और भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि जो P90 की गन स्किन है वो आप लोगों को हमारे क्लैश कोड के रैंक सीजन के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी इतना कुछ फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने रिवील नहीं किया है OB25 अपडेट से रिलेटेड। तो यार गाइस, जो हमारा OB25 अपडेट है वो बेसिकली आप लोगों को 7 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। वहां से आप लोग गेम को अपडेट कर पाओगे 7 दिसंबर को, एंड उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद खेल भी पाओगे। तो यार गाइस, अभी मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को जो अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो करेक्टर आने वाला था उसके बारे में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो यार गाइस, जो फ्री फायर के बाकी सर्वर्स है उनके ऊपर यार फ्री फायर ने जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसका जो ट्रेलर है वो आउट कर दिया। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो यार, काफी ज्यादा ओपी सा ट्रेलर मराया गया जिसके अंदर ये बच्चा कुछ फालतू बकवास कर रहा है, फिर रोनाल्डो जो है वो चलते हुए आता है। तो यार पूरा ट्रेलर आप देख लो। बाकी यार इसके अंदर आप लोगों को मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पिक्चर है वो भी दिखा दूंगा कि गेम के अंदर आने के बाद वो कैसा दिखने वाला है, और इसकी एबिलिटी के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा रोनाल्डो वर्सेस जीजे आलोक। तो यार वीडियो का वेट करना, वीडियो देखनी हो तो यार जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी भी वो करेंगे अपने अगले अपडेट की ओर। तो यार जो अपना अगला अपडेट है वो काफी ज्यादा स्पेशल अपडेट होने वाला है। तो यार गाइस, अभी बात कर लेते हैं यार अपने OB25 अपडेट के पैच अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को यार OB25 अपडेट के दौरान आप लोगों को ये जो बैट की स्किन है वो देखने को मिल जाएगी, जिसका अभी इवेंट भी चल रहा है। प्लस यहाँ पे आप लोगों को जो P90 की गोल्डन गन स्किन है वो भी देखने को मिल जाएगी हमारे क्लैश कोड के रैंक सीजन के अंदर, जहाँ पे आप लोगों को प्लेटिनम थर्ड लीग हिट करनी होगी तो आप सिंपली इस गन स्किन को ले सकते हो। प्लस आप लोगों को जो हमारी न्यू गन स्किन वेक्टर वो भी देखने को मिल जाएगी हमारे अपडेट के बाद तुरंत। एंड यार गाइस, जो लॉबी है वो हर बार बदलती है अपडेट के बाद, तो इस बार भी आप लोगों को लॉबी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो यार गाइस, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ओपी आइटम जो देखने को मिल रहा है वो है यार गाइस यहाँ पे जो सर्वबोर्ड की स्किन जो आप लोगों को दिख रही होगी। तो यार गाइस, जो सर्वबोर्ड की स्किन है वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाली है अपने ऑपरेशन क्रोनो इवेंट के अंदर। काफी ज्यादा चांसेस ये मानते हैं कि आप लोगों के जो सर्वबोर्ड की स्किन है वो आप लोगों को पैच अपडेट्स के अंदर ही देखने को मिल जाए प्री रजिस्टर के अंदर। तो ओल्ड प्लेयर्स को पता है कि कैसे आप लोगों को प्री रजिस्टर के अंदर मिलती है आइटम्स फ्री के अंदर। और काफी ज्यादा चांसेस ये भी मानते हैं कि आप लोगों को ऑपरेशन क्रोनो जो इवेंट है जो हमारा 7 तारीख से स्टार्ट होगा उसके अंदर भी आप लोगों ये जो सर्वबोर्ड की स्किन है वो देखने को मिल सकती है। बाकी यार गाइस, आप लोगों के जो सर्वबोर्ड की स्किन है वो कैसी लगी यार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। दूर से दिखने में तो यार काफी ज्यादा सही सी मुझे लग रही है, इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। बाकी यार गाइस, वो तो मेन बात तो यार आने के बाद ही पता चलेगी कि ओवरऑल ये जो सर्वबोर्ड की स्किन है वो है कैसी। एंड यार गाइस, अभी बात कर लेते हैं यार अपने अपकमिंग मेगा अपडेट्स के बारे में, जो कि यार अपने डीजे आलोक के ऊपर डिस्काउंट। तो यार आप लोगों को पता होगा जो हमारी दिवाली के ऊपर एक इवेंट आया था जिसके अंदर आप लोगों को शॉप के अंदर 50% ऑफ देखने को मिल रहा था, तो वहां से आप लोग डीजे आलोक 299 डायमंड्स में ले सकते थे, लेकिन यार परचेस नहीं कर सकते थे, बेसिकली सेंड कर सकते थे अपने दोस्त के आईडी से। तो यार अभी एक इवेंट चल रहा है यार बाकी सर्वर्स के अंदर, जैसे ब्राजील सर्वर, इंडोनेशियन सर्वर एक्सेट्रा, तो वहां पे उन लोगों को जो डीजे आलोक है उसके ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है अराउंड 80-90% डिस्काउंट। अगर यार ये इवेंट हमारे इंडियन सर्वर के अंदर आता है तो आप लोगों को यार जो डीजे आलोक है वो 99 डायमंड्स के अंदर ही देखने को मिल जाए। बाकी यार होप करते हैं कि जो इवेंट है वो हमें जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर डीजे आलोक को परचेस कर सके, और मतलब बहुत ज्यादा गजब बात हो जाएगी यार। सो यार गाइस, अभी मूव कर लेते हैं अपने अगले अपडेट की ओर। तो यार गाइस, जो अपना अगला अपडेट है वो इतना कुछ खास बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। बिकॉज यार गाइस, जो अपनी विंटर वाली M187 की जो गन स्किन है वो आप लोगों को बहुत जल्द हमारे इन गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। काफी ज्यादा चांसेस ये मानते हैं कि आप लोगों को जो गन स्किन है वो कल हमारे इन गेम के अंदर देखने को मिल जाए किसी एक वेब इवेंट के अंदर। वेब इवेंट बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को अपने डायमंड इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अगर किसी आइटम को अगर आपको अपनी आईडी के अंदर निकालना होता है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों को कल हमारे इन गेम
के अंदर देखने को मिल जाएगी। बट यार अगर कल हमारे इन गेम के अंदर ये गन स्किन नहीं आती है तो मैं आप लोगों को गारंटीड बोल सकता हूँ कि ये जो गन स्किन हमें विंटर इवेंट के दौरान देखने को मिलेगी, और विंटर इवेंट जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा यार गाइस अपने क्रोनो इवेंट के बाद। तो यार क्रोनो इवेंट की बात आई है तो यार क्रोनो इवेंट के अंदर आप लोगों की जो रोनाल्डो कैरेक्टर है बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है। रोनाल्डो कैरेक्टर की एबिलिटी वैसे आप में से मैक्सिमम पीपल्स को पता होगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि कल की वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। लेकिन यार गाइस अभी इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को रोनाल्डो कैरेक्टर की जो एबिलिटी है एक बार दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो जो आलोक है ना अपना रोनाल्डो कैरेक्टर, उसके बीच में रेस हो रही है, और रेस के अंदर आप जाहिर सी बात है आप साफ साफ देख पा रहे हो जो अपना रोनाल्डो कैरेक्टर वो एक तरफा आलोक को हरा रहा है। तो यार गाइस बेसिकली इसकी जो एबिलिटी है वो अभी तक तो इतना ही मालूम पड़ी है कि जो इसकी भागने की स्पीड होगी वरना मतलब जैसे कह सकते हैं आप मोमेंटम स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी। एंड यार गाइस आगे कोई मुझे अपडेट मिलेगा रोनाल्डो कैरेक्टर से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी तो यार अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन यार लाइक नहीं किया तो यार मेरे भाई मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, बट यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अब से यार हमारे परमानेंट व्यूअर बन जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके। तो होप्स हो कि आपको ये सारी डिटेल्स अच्छी लगी होंगी। प्लस आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अभी और प्रोवाइड कर देता हूँ, कल यार हम इस मतलब अपकमिंग अपडेट्स के ऊपर एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को हमारे इन गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग बंडल्स सारे बंडल्स ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, प्लस अपकमिंग फेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो कल की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा ओपी वीडियोस में से एक होने वाली है, तो कल की वीडियो यार देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार गाइस ये जो पैच अपडेट की है वीडियो है, या अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हो जिन्होंने अपने नज़रें हैं वो अच्छी तरह से लगाई हो, तो यार गाइस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बदलती हुई दिखेंगी। जैसे कि एक मतलब अजीब सा ही जो हमारा एक अपडेट जो क्लियर हुआ है ट्रेनिंग ग्राउंड से रिलेटेड जो मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ, तो बेसिकली होगा क्या कि अब से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो है कि मौसम बदलेगा। मींस यार गाइस वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, सुबह शाम दोपहर आसमान बदलता रहेगा। आई डोंट नो क्यों ऐड किया गया ये सिस्टम, बिकॉज यार गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर इतना कुछ ऐड करना मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि यार इससे जो है गेम का साइज़ ही बढ़ने वाला है, और गेम का साइज़ बढ़ेगा तो यार गाइस जो 1GB 2GB रैम वाले फ़ोन है उसके अंदर जो फ्री फायर है वो काफ़ी ज़्यादा लैग होने वाला है, और उन प्लेयर्स को यार सीरियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर फ्री फायर ऐसी चीज़ें हमारे इन गेम के अंदर ऐड करता रहा। मतलब यार आप ही रिव्यू दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर क्लाइमेट चेंज करना कोई ज़रूरी चीज़ थी या नहीं। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो क्लाइमेट चेंज वाली चीज़ थी वो ऐड करनी चाहिए थी, अगर करना ही था तो होप्सो कि बरमुंडा वाले मैप के अंदर ये लोग करते तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगता। एंड यार गाइस होप्सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके जाना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड स्टे सपोर्टिंग, टाटा गाइस।